अगर आपने भी ये टिप सीख ली भाई तो लड़की आपसे दिन रात मजे ले लेकर बात करेगी। जी हाँ, कई मेरे दोस्त और कई मेरे भाइयों का ये भी प्रॉब्लम है ना कि लड़कियां उनसे इंटरेस्ट लेकर बात ही नहीं करती। बहुत से बार तो ये होता है कि लड़की अगर आपको कॉल करती है तो आप दोनों के बीच में टॉपिक खत्म हो जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप उस लड़की से कुछ कहना चाहते हो तो आपको यही नहीं पता होता है कि लड़की से किस टॉपिक पर बात करें जो लड़की हमसे इंटरेस्ट लेकर बात करना चाहे। कई सिचुएशन में तो ये होता है कि आप दोनों बात तो कर रहे हो तो फिर लास्ट में बोरिंग सिखा जाती है, लड़की उतना इंटरेस्ट दिखाते नहीं, हूँ हाँ ओके में जवाब देती है और आपको ऐसा लगता है कि लड़की अब उतना इंटरेस्टेड है नहीं मुझसे बात करने में। फ्रेंड, तो अगर आपने ये टिप सीख ली तो भाई लड़की हमेशा आप में इंटरेस्टेड रहेगी बात करने में, हमेशा यही सोचती रहेगी कब करेगा वो मुझे कॉल। और जब भी आप ये कहोगे ना कि चलो ठीक है मैं रखता हूँ, तो बस यही एक बात कहेगी कि मत रखो ना यार, थोड़ी देर और बात कर लो ना। अगर फ्रेंड आपको भी ये सारी बातें जाननी है तो भाई इस वीडियो को कहीं से स्किप मत करिएगा। हो सकता है भाई कि आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, मगर फ्रेंड एंड में एंड बीच में मैं आपको ऐसे दो प्रो टिप बताने वाला हूं जिसको फॉलो करने के बाद दुनिया की कोई भी लड़की आपको खुद कॉल करना चाहेगी। जी हाँ, खुद कॉल करना चाहेगी। तो वीडियो का कहीं से स्किप मत करिएगा भाई। छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चाहते हो कि टिप आप पे वर्क करे तो भाई एडवांस में इस वीडियो पे एक लाइक कर दो। देखो फ्रेंड 100% है कि वर्क करेगी। चैनल पे जो जो मेरे भाई यार मेरे दोस्त नए हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड, ठीक है। खैर आज की वीडियो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर वन, हम फ्रेंड पहले बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि सबसे पहले आपको टाइम डिसाइड कर लेना है कि हमें इस टाइम पर बात करनी है। इससे क्या बेनिफिट होगी फ्रेंड, आपको मैं ये भी समझा दूंगा, मगर पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब भी आप उसे कॉल करते हो तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि जब आपने उसे कॉल किया तो उसका ध्यान कहीं और नहीं होना चाहिए, तभी वो आप में इंटरेस्टेड रहेगी। तो फ्रेंड सबसे पहला काम आपको ये करना है कि बात करने का एक टाइमिंग डिसाइड कर लीजिए। इससे ये भी बेनिफिट होगा कि जब आप एक दूसरे को कॉल करते हो तो एक दूसरे को बात आप कर सकते हो एकदम कंफर्टेबल तरीके से, दोनों को डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं होने वाला है। दूसरी बात, आप अगर एक दिन इससे बात नहीं करते या फिर आप दोनों की अगर बात नहीं होती तो आप दोनों के अंदर एक ऐसी बेचैनी पैदा होगी जिसको आप अब्सॉर्ब ही करके समझ सकते हो कि यार आज मैंने इससे बात नहीं किया, आज इससे मेरी बात नहीं हो पाई। सेम सिचुएशन उसके भी तरफ भी होगा कि यार उसका टाइम हो गया कॉल करने का मगर आज उससे मेरी बात नहीं हो पाई। और इस तरीके से आप दोनों की जो लव की बॉन्डिंग है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। फ्रेंड मेन रिलेशनशिप में ये चीज़ होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है कि उनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी अच्छी तरीके से बातें होती है। फ्रेंड तो आपने पहला प्रोसेसर फॉलो कर लिया तभी आप दूसरे प्रोसेसर पे आगे बढ़ सकते हो। तो फ्रेंड समझ गए ना, टाइम डिसाइड कर लीजिए, इससे आप एक दूसरे को सही तरीके से टाइम दे सकोगे। पॉइंट नंबर टू, आप लोग कहते हो मुझे कि सर हम कितनी बार उसके सामने कॉमेडी करें, कितना हम जोक क्रैक करें। भाई जोक का भी एक दी एंड होता है, ठीक है, मतलब जोक भी खत्म हो जाते हैं, कॉमेडी करना भी आपका थम जाता है। तब आपको किस टॉपिक पर बात करनी चाहिए जो लड़की भी इंटरटेन लेकर आपसे बात करे। एक बार ध्यान रखो फ्रेंड कि कभी भी आप उसके सामने ये शो मत कराओ कि आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो बात करने में। हाँ मुझे पता है भाई कि आप फुल टू इंटरेस्टेड हो उससे बात करने में, मगर आप अगर चुप हो जाते हो, अगर आप हर एक बात के ऊपर सोच सोच के जवाब देते हो तो उस लड़की को ऐसा लगता है कि ये इतना इंटरेस्टेड है नहीं मुझसे बात करने में। तो सिचुएशन में आपको ये करना चाहिए फ्रेंड कि जितना हो सके बनावटी कहानी भी यूज कर सकते हो कि आज मैं वहां गया था, आज मैं ऐसे किया था वैसे किया था। और फ्रेंड एक चीज पर ध्यान रखो कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप उससे पूछने की कोशिश करें कि तुमने क्या किया, आज पूरा दिन तुम्हारा कैसा गया, आज तुमने दिन में क्या क्या किया, तुम्हें पता है मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम वहां गई होगी और वहां पर तुमको ऐसी चीज मिली होगी। अगर आप इस तरीके से बात करते हो तो लड़की का आपके तरफ इंटरेस्ट बना रहेगा फ्रेंड। और एक बात पर ध्यान रखें, जितना हो सके उतना उसके मुंह से बुलवाने की कोशिश करोगे उतने ज्यादा आपको बेनिफिट होंगे और टॉपिक ऑटोमेटिकली मिलने लग जाएंगे भाई, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखनी है फ्रेंड, आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है जो कि आपका भाई समझा रहा है कि लड़की को जितना सुनने में मजा नहीं आता उतना ज्यादा सुनाने में मजा आता है। आपको एक बात बताओगे कि लड़कियां कितनी ज्यादा बात करती है, क्लास में रहती है तो बात करती है, ऑफिस में रहती है तो बात करती है, और अगर आपके गली मोहल्ले में लड़कियां गुजरती है तो भी वो बात करते हुए ही गुजरती है। क्यों करती है? क्योंकि लड़की को भाई अपने बारे में बताना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। तो अगर आप फ्रेंड जितना हो सकता है उस लड़की के सुनते हो तो लड़की आपसे खूब इंटरेस्ट लेकर और खूब मजे ले लेकर बात भी करना चाहेगी, क्योंकि भाई लड़की के लाइफ में पूरे दिन में कुछ ना कुछ ऐसा एक सस्पेंसफुल बातें जरूर होती है जिससे वो शेयर करना चाहती है। और अगर आप सुनते हो उसकी बातें तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो ये बात उसके मन में चलेगी कुछ भी नया हो साथ तो सबसे पहला ख्याल आपका ही आएगा और आपको ही वो कॉल लगाना चाहेगी और वो आपको ही बताना भी चाहेगी। तो देखो फ्रेंड, उसकी सिर्फ सुनने से आपको कितना बड़ा बेनिफिट है कि वो आपको कॉल करने के पीछे दीवाने भी हो सकती है, ठीक है भाई। अगले प्रोसीजर को फॉलो करने से पहले हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो पे एक लाइक कर दिया होगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर जरूर प्रेस किया होगा। खैर पॉइंट नंबर अगला,
अगर आप दोनों की बातों में अंडरस्टैंडिंग कम होती है, इतने नहीं, अगर फीलिंग कम आती है आपको एक दूसरे से बात करने में, तो आपको बस फ्रेंड एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वो लड़की आपकी अननोन दोस्त है, तो आप मतलब अननोन से मेरा मतलब उतनी पर्सनल आपकी वो दोस्त नहीं बन पाई है, तो आप उसे फ्रेंड एक प्यारा सा निकनेम दीजिए। जी हाँ, ये चीज़ से क्या होगा, आपके एक बेनिफिट और होगी कि जब भी आप कुछ बातें बोलना चाहोगे तो बहुत इंटरेस्ट लेकर सुनना चाहेगी। क्यों? क्योंकि उस लड़की को अच्छा लगेगा कि चलो कोई एक ऐसा बंदा जो मुझे सबसे अलग ही निकनेम दे रखा है, ठीक है। और अगर आपकी वो गर्लफ्रेंड है तो फ्रेंड आपको पता है कितने सारे निकनेम होते हैं, आप किसी भी निकनेम से उसको बुला सकते हैं। जब भी आप उसको निकनेम से बोलेंगे तो उसे एक अपना पन लगेगा और लड़की आपकी बातें ध्यान से सुनना भी चाहेगी। अब निकनेम तो फ्रेंड कई तरह के होते हैं। अब जैसे कि मैं तुम्हें दो तीन एग्जांपल देता हूं, मैं अपने पार्टनर को प्यार से चीकू बुलाता हूं, ठीक है भाई, चीकू कह सकते हो आप, पिकी कह सकते हो, या और भी कई प्रकार के नाम होते हैं फ्रेंड। आप इस थोड़ा अद्भुत सा नाम देना, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बाबू सोना जानू दोगे नाम, ठीक है, क्योंकि ये नाम तो भैया पुराना हो चुका है, लेटेस्ट जमाना है, तो लेटेस्ट नेम यूज करो, ठीक है भाई, ऐसा नहीं कि कुछ भी, ये सिर्फ एक एग्जांपल था, ठीक है भाई, ऐसा नहीं कि आप चीकू ही नाम रख दोगे या पिक का ही नाम रख दोगे, नहीं भाई, अपने हिसाब से एक अच्छा सा नाम डिसाइड करके आप उसको दे सकते हो, जिससे लड़की आपसे और इंटरेस्ट लेकर बात भी करना चाहेगी, ठीक है भाई। अभी तक हमने बात की सिर्फ बेसिक टिप के बारे में, अब बात करते हैं कुछ हाई लेवल के टिप जो कि लड़की को आपके दीवाना भी बना सकते हैं। अब अगली टिप होगी भाई कि अगर आप ये चाहते हो कि वो लड़की आपसे इंटरेस्ट लेकर बात करे, इतने नहीं, अगर वो आपसे अपनी सारी बातें शेयर करे और तो और हमेशा बोले कि यार तू कब मुझे कॉल करेगा, उसके लिए फ्रेंड आपको एक बात फॉलो करनी पड़ेगी जो कि आपका भाई हर वीडियो में समझाता है कि लड़की का दिल जीतना है तो सबसे पहले काम आपको ये करना है उसके चेहरे पर स्माइल देनी है। अब वो स्माइल कई प्रकार की होती है फ्रेंड, भाई एक बात ध्यान रखो कि अगर लड़की से आप बात करते हो तो बात करने के दौरान फ्रेंड थोड़ी बहुत तो कॉमेडी चलता है ना भाई, क्योंकि आप जितना लड़की को एंटरटेन करोगे, जितना लड़की को हंसाओगे, उतना ज़्यादा ही लड़की आप पे ट्रस्ट जाएगी, उतने ज्यादा लड़की का इंटरेस्ट आपके तरफ बढ़ता भी जाएगा, और इस तरीके से लड़की आपके सामने ओपनली आ जाएगी, वो आपसे बातें शेयर करना चाहेगी, अपनी भी बातें आपको बताना चाहेगी। क्यों? क्योंकि आप एक हंसे मिजाज या टाइप के लड़के हो भाई, खुश रहते हो, और ऐसे लड़कों से हर लड़कियां बात करना चाहती है फ्रेंड, ठीक है। अब एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कि कभी भी आप लड़की से अब जब बात करते हो तो बात करने के दौरान फ्रेंड कभी आप उस लड़की पे शक नहीं कर सकते। जी हां, आप मुझे आप कहेंगे कि सर शक करना तो बनता है ना, क्योंकि जहां पर रिलेशनशिप होता है, जहां पर प्यार होता है, वहां पर शक भी होता है। मगर भाई कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप रिलेशनशिप में शक करते हैं, जिसके चलते आपका रिलेशनशिप खराब भी होने लग जाता है भाई, तो आपको ये चीज़ नहीं करना है। आपको अगर पता है कि भाई इस टाइम पे ये बिजी रहती है, इस टाइम पे इसको ये काम होता है, तो आप उस टाइम पे उससे ना ही पूछें तो इससे बढ़िया बात रहेगी फ्रेंड, क्योंकि ऐसे करोगे तो लड़की को लगेगा कि लड़का बहुत ही खराब है, यार लड़का तो मुझ पर अभी से शक करने लग गया है, इससे मुझे इतना बात नहीं करना चाहिए। तो भाई स्टार्टिंग में क्या करना है, आपको पोलाइटली बात करना है, ठीक है। अगर आप पूछते भी हो ना कि बिजी हो, तो भाई किस अलग तरीके से पूछा करो कि क्या बात है, आजकल तो आप बहुत बिजी रहते हो, लग रहा है ज्यादा ही बिजनेस लंबा चौड़ा चल रहा है आपका, तो लड़की आपको बताना भी चाहिए कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं, मैं तो इनसे बात कर रही थी, ऐसे टॉपिक बात कर रही थी। इस तरीके से आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा, और आप लड़की पे शक ना करें भाई, ये बात आप समझ लीजिए, क्योंकि शक करने से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है मेरे दोस्त, ये बात भी जरा समझ लीजिएगा, ठीक है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको और समझा दूं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप लोगों ने कई बार ऐसा नोटिस किया होगा ना कि लड़की से आप बात करते हो तो लड़की उतना इंटरेस्ट शो नहीं करती, और आप क्या करते हो, लड़की को पकाने में लग जाते हो, लड़की को आप इधर उधर की बातें तो बोलते हो मगर लड़की हाँ मैं रिप्लाई करती है, और आपको ऐसा लगता भी है कि लड़की पक रही है, मगर आपको क्या मजा आता है कि लड़की वही पक रही है तो क्या हुआ, इससे एटलीस्ट बात तो कर रहा हो रहा है, मगर भाई इससे आपका रिलेशनशिप खराब होता है, लड़की के ऊपर इंप्रेशन भी खराब ही पड़ता है। तो अगर आपको ऐसा महसूस हो कि मैं लड़की को पका रहा हूँ, इरिटेट कर रहा हूँ या फिर बोर कर रहा हूँ, तो भाई सामने से आप ही फोन रख दो, इससे क्या होगा आपकी इज्जत बच जाएगी, लड़की को लगेगा कि यार क्या बात है, यार लड़का ने पकाना स्टार्ट किया तो फोन रख दिया, इससे आपकी फ्रेंड इज्जत कहीं नहीं जाने वाली है। और ना भाई आप ऐसा कंटिन्यू करोगे तो दो मिनट बाद तो वैसे भी लड़की आपको बोली देगी अच्छा ठीक है बाय यार मेरे को कुछ काम है, और इस तरीके से आपकी इज्जत खराब, और नेक्स्ट टाइम वो कॉल करने की सोचेगी भी नहीं, उसको ऐसा लगेगा कि लड़का तो पका देता है भाई, तो इसको मैं फोन क्यों करूँ, हालांकि मैं भी आपको ऐसा लग रहा है मुझे कि पका रहा हूँ भाई, ठीक है, क्योंकि एक टॉपिक को एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ, मगर आप लोगों ने कहा था मुझे कि इंस्टाग्राम पर कि सर एक्सप्लेन करके जानना है भाई, तो समझ रहे हो ना मेरे दोस्त, तो ये बेसिक पॉइंट भी फॉलो कर लेना भाई। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो कि आपके लिए लास्ट है, और इसके बाद ये वीडियो समाप्त होगी भाई, लड़की को कभी भी बात करने के लिए फोर्स मत करना, ठीक है भाई, क्योंकि मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूँ, इससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खराब होती है, लड़की को ऐसा लगता है कि लड़का चिपकू टाइप का है और लड़की आपको नेक्स्ट टाइम कभी भी कॉल नहीं करने वाली है, समझ गए। तो लड़की को कभी फोर्स मत करो यार कि मुझसे 5 मिनट बात कर लो, 2 मिनट करो, अच्छा चलो 1 मिनट बात कर लो यार, मेरे को थोड़ा अच्छा लग जाएगा। आपको क्या लगता है कि आप ऐसे उसका इमोशन जीत रहे हो? अरे नहीं मेरे दोस्त, कोई इमोशन नहीं जीत रहे, उसके सामने अपनी आप पर्सनैलिटी खराब कर रहे हो, अपने रुआब खराब कर रहे हो, और लड़की को लगता है कि चिपकू टाइप का, तो लड़की का इंटरेस्ट किसी और में शो हो जाता है।
ठीक है भाई, तो आप कभी लड़की को फोर्स ना करें बात करने के लिए। अगर आप ये चाहते हो कि लड़की आपसे खुद ब खुद बात करे, तो हमेशा उससे रिलेटिव बात करोगे, इंटरटेन करके बात करोगे, कॉमेडियन तरीके से बात करोगे, तो लड़की खुद ब खुद बोलेगी हाँ ठीक है मैं बिजी हूँ मगर मैं तुम्हारी बातें सुन सकती हूँ। क्यों सुन सकती हूँ? क्योंकि आप इंटरेस्टिंग बंदे हो भाई। तो समझ गए, ये सब बेसिक पॉइंट को अगर आप फॉलो करते हो तो लड़की आपको दिन रात खूब मजे ले लेकर कॉल करेगी। इतना इंटरटेन हो गए, आप भी बोलोगे भाई जिस लड़की से बात करता हूँ वो लड़की तो फोन पीछे भग जाती है भाई। अब एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको फॉलो करना, अगर इस पॉइंट को फॉलो कर लेते हो तो दुनिया की क्या, इस पृथ्वी की कोई भी लड़की हो सबको आप अट्रैक्ट कर सकते हो फोन पे ही। क्या करना है? सबसे पहला काम, अगर भाई लोग आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल आ रहा हो मन में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कह सकते हो भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और कमेंट सेक्शन में एक लिंक पिन कर रखा है, वो भी इंस्टाग्राम का ही है, तो आप चाहो तो वो उस पर फॉलो करके आप मुझसे बात भी कर सकते हो, ठीक है भाई। और दूसरी बात यह कि इस वीडियो पे एक लाइक कर देना भाई, क्योंकि जिस बंदे ने इस वीडियो पे लाइक किया ना उसके पार्टनर तो जिंदगी भर उससे मजे ले लेकर बात करेगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करो, और जिस बंदे ने इस वीडियो को अपने दोस्त यार भाई बंधु के साथ शेयर किया ना भाई, देखो उनसे लड़कियां खुद ब खुद नंबर मांगती है कि कॉल करना है मुझे, आपको नंबर दे दो। समझ गया? नहीं विश्वास हो रहा करके देख लो भाई, विश्वास हो जाएगा आपको। शेयर करो भाई, शेयर करो।